बटन होगा, इस पर क्लिक करें तो ये आपको डाउनलोड पेज पर ले जाएगा। जो डाउनलोड पेज है वहां पर से आप ये पहले वाला वर्चुअल बॉक्स 5.1.8 फॉर विंडोज होस्ट 32-bit और 64-bit दोनों के लिए ये जो है वो एक्जी जो यूज होगी इसको आप डाउनलोड करें। जब इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए अब हम इस वर्चुअल बॉक्स में जो है एक लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हमने ये उबंटू लिनक्स को सेलेक्ट किया है। आप कोई भी लिनक्स की वर्जन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़रा काफ़ी पॉपुलर है अपग्रेड किया इसलिए हमको सेलेक्ट करें। सबसे पहले आप उबंटू डॉट कॉम पर जाएं और यहाँ पर डाउनलोड में डेस्कटॉप पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 64-bit वर्जन जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। आपने 32-bit चाहिए आपको वर्जन या 64-bit वर्जन चाहिए उसको आप सबसे पहले यहाँ माई कंप्यूटर पर ब्राइट करके प्रॉपर्टीज पर चले जाएं और यहाँ से देखें अपना सिस्टम है। अगर आपका 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर हमें 32-bit वर्जन की जो है वो लिनक्स की डाउनलोड करनी चाहिए। ठीक है जी, वर्जन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ अल्टरनेट डाउनलोड एंड टॉरेंट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर मिरर में पेज के एंड पर कोई भी अच्छा जो मिरर है जैसे जर्मनी ये फास्ट मिरर है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप लेटेस्ट फोल्डर के वर्जन के जो फोल्डर है उसको क्लिक कर दें और यहाँ से आपने ये उबंटू वर्जन नंबर डेस्कटॉप i386 ISO इसको आपने जो है वो सेव कर लेना है। ठीक है जी, सेविंग एज आप करें तो ये हमें इस आईएसओ फाइल को सेव करने के लिए कह रहा है। इस बात को ध्यान में रखें कि ये एक बड़ी फाइल है, तकरीबन 1.5 GB के करीब, तो बेहतर है कि आप लोग कोई डाउनलोड मैनेजर जैसे कि फ्री डाउनलोड मैनेजर है या और कोई डाउनलोड मैनेजर उसे यूज करें ताकि अगर बीच में कनेक्शन लॉस हो जाए तो आप अपने डाउनलोड को रिज्यूम कर सकें। ठीक है जी, इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास ये आईएसओ इमेज जो है उसका उबंटू का वो हमारे पास आ गया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्चुअल बॉक्स में जो है वो एक नई वर्चुअल मशीन बनाते हैं और उसके अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स पर डबल क्लिक करें, आपके पास वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नई मशीन बनाते हैं, इस बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर जो है वो नई वर्चुअल मशीन का नाम आप दे दें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके लिए आपने नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपके लिए कितनी रैम जो है वो रिजर्व करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप जो है 1 GB रैम जो है इसके लिए रिजर्व करें। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपसे एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाने के लिए पूछेगा तो आप क्रिएट वर्चुअल डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि डायनामिकली एलोकेट बनानी है या फिक्स साइज बनानी है। अगर डायनामिकली एलोकेट बनाएंगे तो वो एकदम से हार्ड डिस्क पर स्पेस रिजर्व नहीं करेगा, बल्कि जैसे जैसे आपका वर्चुअल मशीन ग्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग उसको बना देगा साइज को। लेकिन अगर फिक्स साइज बना देंगे तो पहले ही साइज स्पेस जो है रिजर्व कर देगा। इसके लिए आप लेकिन फिक्स साइज है ये वाली ऑप्शन आप मशीन को जरा फास्ट बना देंगे, इसलिए हम यहाँ पर भी डायनामिकली एलोकेट वाली ऑप्शन बनाने और नेक्स्ट करें। उसके बाद यहाँ पर इस साइज का नाम और जगह किस जगह पर आप ये 16 GB फाइल आपने सेव करनी है वो पूछेगा, वो यहाँ इस आइकन पर क्लिक करने के बाद बता सकते हैं कि आपने इसको किस लोकेशन पर सेव करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसका साइज जो है मैं 16 GB रखा, एटलीस्ट आप 10 GB जरूर रखें और उससे ज़्यादा कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद आप जो है वो क्रिएट पर क्लिक कर दें और यहाँ डिस्क क्रिएट हो जाएगी। अगर आपका हार्ड डिस्क करने में कोई इशू वगैरह आए तो इसका ये मतलब होगा कि आपका जो है वो उस जगह पर इतनी स्पेस नहीं है जहाँ पर आपका हार्ड डिस्क नहीं है, आप डिफरेंट लोकेशन पर हार्ड डिस्क सेव करें। चलिए, उसके बाद आप इस मशीन को सेलेक्ट करें जो हमने अभी बनाया और इसकी सेटिंग पर क्लिक करें। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ सिस्टम पर क्लिक करें और यहाँ पर उसके बाद प्रोसेसर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर एनेबल PAE/NX0 सेलेक्ट करें अगर ये पहले से अनचेक हुआ हो। उसके बाद आप स्टोरेज पर क्लिक करें और यहाँ से आप ये जो आपको डिस्क इमेज नजर आ रहा है सीडी का एमटी का इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर चूज वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल जो है इसको क्लिक करें कि आप उसके बाद उस डिस्क पर नेविगेट करें जो आपने आईएसओ फाइल उबंटू की डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। इसके बाद ओपन करके आपकी मशीन जो है वो बूट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस मेन स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपसे पावर ऑन करें।